स्वागत है आपका शिवा लर्निंग में। शिवा लर्निंग एक कंसल्टेंसी फर्म है, चेन्नई बेस्ड। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shivalearning.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो एक बार नीट का एग्ज़ाम या दो बार नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज हैं कैसे वो तैयारी कर सकते हैं, तो मैं वो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्ट्रेटजीज हैं तैयारी करने की ड्रॉपर्स के लिए। तो उनमें जो सबसे पहली है, मैं बात करता हूँ गाइस, ये बात आप भी मानते हो, यू ऑलरेडी न्यू अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ नीट, राइट गाइस? आपको अपना पैटर्न तो पता ही है कि आपको आपका मतलब एग्ज़ाम आने कैसे वाला है। तो गाइस, जो आपको करना है, नाउ यू हैव टू डिसाइड द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ प्रिपरेशन। अब आपको बस यही देखना है कि जैसे पिछली बार आप किन क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपने गलत कर दिए थे, तो आपको खाली उन पर ही फोकस करना है, ना कि आप पूरा फोकस करें, मतलब पूरा फोकस करें बट इन पर ज़्यादा करें अपने वीक एरियाज में। सेकेंड पॉइंट इसी बारे में, फर्स्टली सॉर्ट आउट द एरियाज विच नीड स्पेशल अटेंशन। ओके गाइज, यू शुड मार्क योर सेल्फ आउट ऑफ 100। तो आपको करना ही है, अपने जो आपके वीक एरियाज हैं जिनमें आपको स्पेशल अटेंशन चाहिए, उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए और उन पर फोकस करिए, और अपने आप को उसमें 100 में से आप देखिए कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी है उसको करने की। तो इससे अपनी रियलिटी को पहचानने की कोशिश करिए गाइस। अगर मैं थर्ड टिप की बात करूँ तो फोकस ऑन दोज एरियाज वेयर यू कैन इम्प्रूव वेल। बिल्कुल सही बात है गाइस, अपने उन एरियाज पर फोकस करें जहां आप और अच्छा कर सकते हैं छोटी छोटी मेहनत करके। यू हैव टू फाइंड आउट दोज एरियाज वेयर विद लिटिल एफर्ट यू कैन इम्प्रूव। गाइस, यही बात मैंने बोली आपको, अब ऐसा कुछ करिए कि छोटी छोटी एफर्ट करके, कोई काफ़ी कम एफर्ट में आप बहुत अच्छा कर सकें, जिनमें जिन क्वेश्चन में आपकी पिछली बार छोटी छोटी गलतियाँ हो गई थी उनको सुधारने की कोशिश करिए कि वो इस बार गलत ना हो गाइस। एंड फोर्थ टिप की बात करें तो टेक रेगुलर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, आपको मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। मॉक टेस्ट से आपको कॉन्फिडेंस भी आपका काफ़ी बिल्डअप हो जाता है कि आपको कितना आता है। अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो गाइस आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी ऊपर हो जाता है। देर आर स्टूडेंट्स हु नेवर लुक आफ्टर द एक्सप्लेनेशन वेयर दे गो रॉन्ग। मॉक टेस्ट नीड रेगुलर प्रैक्टिस। तो गाइस, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप मॉक टेस्ट देते रहिए। एंड गाइस, ट्राई टू प्ले अ क्विज टू नो मोर डिटेल्स अबाउट द एग्जामिनेशन। यू विल फाइंड मैनी काइंड ऑफ ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म वेयर यू विल फाइंड रेलिवेंट टॉपिक। गाइस, जो ये पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको क्विज, ऑनलाइन क्विज काफ़ी आती है नीट के एग्ज़ाम में नीट से रिलेटेड, तो उन्हें देते रहिए, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप होता है गाइस। एंड द लास्ट वन, दिस काइंड ऑफ ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू टू फाइंड आउट हाउ टू क्लियर योर डाउट इजीली। गाइज, ये पिछले पॉइंट से ही रिलेटेड है, आप समझ गए होंगे ऑनलाइन क्विज कितना इम्पोर्टेंट है, आपके डाउट इजीली क्लियर हो जाते हैं, आपको नए नए तरीके पता चलते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकता हूँ। गाइज, इसके बाद गाइज मैं आपके लिए एक रूटीन लाया हूँ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ गाइज आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका मंडे टू सैटरडे का पूरा रूटीन एक टाइप का मैंने बनाया है, और इससे काफ़ी मदद मिली है पहले भी जो नीट की तैयारी करते रहे हैं बच्चे। तो गाइस, आप चाहें तो आज आज आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ऐसे ही फर्दर रेगुलर पर आवर की अपडेट के लिए, नीट की अपडेट के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। हर घंटे जो भी नीट की अपडेट आती है सबसे पहले हमारे चैनल पर आती है गाइस, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू गाइस।